से बोल पाऊंगी मुझे पता नहीं है, माफ करिएगा जितनी दूर तक सुनाई दे पड़े देगा। मैं जीएस कैश को थैंक करना चाहती हूँ कि जेएनयू में फिर से मौका दिया यहाँ पर आके आप लोगों से मिलने के लिए, यहाँ बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। मैं बहुत ब्रीफली कुछ बातें रखना चाहती हूँ, बाकी सारी बातें तो आप मेरे से पहले भी जिन लोगों ने रखा उन्होंने रखा और बाद में भी और लोग रखेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो जिस संदर्भ में हो रहा है और उस समय मुझे लगता है कि कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फोकस है मेरे मन में जो है वो 8 मार्च को जहाँ हम खड़े हुए हैं, मैं अप्रैल मई की दिशा में देख रही हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारे देश में फाशीवाद का जो मंडराता खतरा है उससे हम कैसे जूझे। ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल है महिलाओं के लिए, महिला आंदोलन के लिए, महिलाओं की आज़ादी और अधिकारों के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, दैट्स मच बेटर। या तो यही मैं कहना चाहती थी कि इस समय जो फाशीवाद का मंडराता खतरा है, जब हम फाशीवाद कहते हैं उसका क्या मतलब है, भारत के संदर्भ में हम क्या कहना चाहते हैं। भारत के संदर्भ में बहुत सीधी बात है कि फैशिज्म वो हमेशा एक जैसा होता नहीं ना, सब जगह एक ही कपड़े पहन के तो आता नहीं है। हमारे देश में वो बिल्कुल साफ है कि वो एक मनुवादी फाशीवाद है, वो एक सांप्रदायिक फाशीवाद है और इंडिया के खास संदर्भ में एक कॉरपोरेट बैक्ड फाशीवाद जिसमें आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जाएगी, जिसमें दलित महिलाओं के बलात्कारों को सही ठहराया जाएगा, जिसमें लव जिहाद के नाम पर महिलाओं के चुनने की आज़ादी पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से संगठित हमला होगा और जिसमें खास डिस्कोर्स फैलाया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू महिलाओं का क्या क्या होना चाहिए, हिंदू महिलाओं को कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने याद दिलाया था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश के लिए सबसे बड़ा हादसा होगा और उसमें मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए सबसे उस हादसे में भी सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होंगे ये वही होंगे। और एक तरह से ये हादसा शुरू हो गया है, पिछले 5 साल में ये हादसा शुरू हो गया है। तो हमें अगर अपने देश को, अपने रिपब्लिक को, अपने समाज को रिक्लेम करना है और उसके बाद में एक तरह से एक रेस्क्यू करना है, उसके बाद एक रीबिल्डिंग का काम होगा, जैसे रेस्क्यू होता है उसके बाद रिहैबिलिटेशन होती है हादसे में, उसी तरह से इस हादसे, ये हादसा बहुत भयानक असर छोड़ रहा है हमारे समाज में और उससे लड़ने का काम तो हम लोग सब कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, इस कैंपस में भी कर रहे हैं और देश भर में महिला आंदोलन कर रहे हैं, अनेक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे सामने ये चैलेंज रहेगा। एक रीसेंट एग्जाम्पल मैं उठाना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ देख रही थी कि एबीवीपी के ये प्लेकार्ड्स टंगे हुए हैं जिसमें साहसी महिलाओं के बारे में है और महिला साहस वगैरह वगैरह, और आज की इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस को बड़ा प्रेम है राम माधव से लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी वो राम माधव से, जो आरएसएस के वेटरन हैं और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं इस समय, उनका एक लेख छापा है उसमें। उसमें वैसे अगर आप उस लेख में से जो मैंने सरसरी निगाह से देखा तो अगर उसमें राम माधव का नाम हटा दीजिए तो बहुत सारे बैनैलिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं महिलाओं को लेकर के। उन्होंने अपनी आरएसएस की मन की बात को वहाँ नहीं लिखा है, उन्होंने बहुत ही कॉन्शियसली 2 महीने में चुनाव है देखते हुए जो बातें लिखी हैं वो आरएसएस के मन की बात नहीं लिखी है। मैं उनसे बहुत साफ पूछना चाहती हूँ इस पब्लिक मीटिंग के जरिए ही कि अगर आप वो सारी बातें कह रहे हैं, यहाँ तक वो लिख रहे हैं कि नहीं नहीं सुरक्षा के नाम पे महिलाओं की आज़ादियों को नहीं छीनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई, आप भी लाइन पर आ गए, आप भी इन बातों को कह रहे हैं, लिख रहे हैं नेशनल डेली में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि बंच ऑफ थॉट्स को क्या आरएसएस ने और बीजेपी ने क्या वो अभी उसको छोड़ने जा रहे हैं? क्योंकि बंच ऑफ थॉट्स को उठा करके पढ़िए तो उसमें गोलवालकर ने बहुत साफ साफ लिखा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने मजाक उठाया है कि महिलाओं के लिए बराबरी, बताइए बराबरी क्या चीज़ होती है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग बराबरी मांग रहे हैं, जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं, ये सारे लोग तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये जो आज कहा जा रहा है ना आप लोगों को, हम लोगों को, ये चीज़ गोलवालकर ने उस समय कहा, सुनने वाले लोग कम थे, लेकिन कहा उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कि जितने लोग बराबरी मांग रहे हैं, जितने लोग समाज को सुधारना चाह रहे हैं, बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उसमें एक रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं, डेमोक्रेटाइज करना चाह रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं वो डिविजिव है, वो डिविजिव है, वो सांप्रदायिक है, ये वो कह रहे थे। और क्या वो लोग उसको डिनाई कर रहे हैं? बाकी और भी बात कि ये राष्ट्र सेविका समितियों में जो कहा जाता है महिलाओं को
कि आपके साथ अगर हिंसा होता है तो आपके आप ही में कोई खोट होगी, आपको इस हिंसा को लेकर के पब्लिकली कुछ नहीं बोलना चाहिए, और आपके पति आपको पीटते हैं, जैसे बच्चों को भी तो पीटा जाता है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, बच्चों को भी मत पीटिए, महिलाओं को भी मत पीटिए, ये कौन उनको समझाएगा, राम माधव जी समझाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं कहते, आप अपने लोगों से बात करिए ना, आप किसको सुना रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के पेजेस से, आप सीधे अपनी रैंक्स को सुनाइए ना, ये सारी अच्छी अच्छी बातें, आप उन लोगों से बात करिए, वो क्यों नहीं मानते आपकी बात, ये पूछ लीजिए अगर ये सचमुच में आपकी बात है तो। और एक बात ये कि उनसे मैं बिल्कुल क्लियरली पूछना चाहती हूँ कि जो मेघालय के गवर्नर है तथागत रॉय, उनके जो रिपीटेड ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सभी कश्मीरियों का बॉयकॉट करो, एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जब लिबरेशन वॉर चल रहा था तो उस समय इंडियन आर्मी ने उनके अनुसार इंडियन आर्मी की वजह से बांग्लादेश लिबरेट हुआ, और पाकिस्तानी आर्मी ने उनके अनुसार वहाँ खूब स्लॉटरिंग एंड रेपिंग की। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या कश्मीर में, चलिए मैं उतना नहीं कहूँगा कि उस हद तक, लेकिन क्या कुछ हद तक हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्लॉटर, थोड़ा सा रेप, लिटिल बिट ऑफ स्लॉटर एंड रेप, ये तथागत रॉय कह रहे हैं कश्मीरियों को लेकर के। इसके बारे में राम माधव जी का और भाजपा का क्या कहना है भाई? कपिल मिश्रा जो यहाँ दिल्ली के विधायक हैं, हम सारे लोगों को घरों से निकाल करके घसीट करके सड़कों पर मारने की बातें कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ही हैं इस समय, वो लिखते हैं कि उन सारे बूम्स को, कोख को चीर के रख दो जो आतंकियों को पैदा करते हैं। कोख किसके पास होता है? महिलाओं के पास होता है ना, और तो किसी के पास होता नहीं कोख, ठीक है, तो कोख को चीरने वाली बात ये कह रहे हैं, और उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, उनके बारे में सब चुप है, राम माधव जी भी चुप है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें जो लिखे हैं, लेकिन जो आपके लोग कर रहे हैं उस पर आप बिल्कुल चुप हैं। और कोख चीरने की जहां तक बात है, तो कल ही कल में बाबू बजरंगी को बेल मिला है, जो ऑन वीडियो ऑन कैमरा ही वाज कैप्चर्ड बाय द तहलका स्टिंग्स बोस्टिंग ऑफ हाउ ही फेल्ट लाइक महाराणा प्रताप। This is a public gathering here, so I won't explain what exactly he was experiencing at that time, what exactly he was high on, ठीक है? What kind of sexual high he was feeling, because he enjoyed torturing and raping women and children, and he described how he slit open a woman's womb and how he felt so grand and great when he was doing that. This man got bail yesterday. Who is in jail today? Our Sudha Bharadwaj, our Shoma Sen, these amazing women's rights activists, these amazing feminist activists who have been organizing workers, who have been organizing and speaking up for Adivasi women, who have dedicated their lives to this kind of work, they are in jail and there's no sign of bail for them. Kya 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 halat, kya halat hai hamare desh ka, ke loktantra ka, jara soch ke dekhiye. एक और बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो कोख चीरने की बात है, ये कौन सी भाषा है, ये जो कश्मीरियों के लिए आज ये लोग कह रहे हैं, यही भाषा रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर सिंह ने दलित महिलाओं और बच्चों का जो जनसंहार पर जनसंहार हुआ बिहार के पूरे 90 के दशक में, उस समय ब्रह्मेश्वर सिंह ने कहा था कि ये दलित महिलाएं ये नक्सली पैदा करती हैं, सपोले पैदा करती हैं, इसीलिए इस नागिन को ही, नागिनों को ही मार डालो, वो सपोले पैदा करना बंद कर दें। ये भाषा, ये मनुवादी फाशीवाद की भाषा है, जेनोसाइडल फैशिज्म्स लैंग्वेज, एंड दिस इज द सेम लैंग्वेज बीइंग यूज्ड अबाउट कश्मीर एज वेल, व्हिच इज व्हाई आई वांट टू एक्सप्रेस सॉलिडैरिटी विद द कश्मीरी सिस्टर्स हु आर फाइटिंग, and they're fighting in unimaginable conditions. Here we are sitting and holding a public meeting. In Kashmir, in Srinagar, in a public square in Srinagar, 10 Kashmiri women cannot stand holding a silent procession, silent demonstration with placards asking whatever happened to justice in Kunan Poshpura 1991. They can't do it. They're not allowed to do it. All right? तो उसमें उनको उतनी भर भी, उतनी छोटी सी भर भी आजादी उनको नहीं मिली हुई है। ये अगर हम समझते हैं, ये अगर हम देखते हैं और समझते हैं कि जिस तरह की भाषा को नॉर्मलाइज कर रही है, जिस तरह के वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जा रहा है इस समय, उसको हम समझें, तो हम समझेंगे कि इस समय कितना अर्जेंट है इन लोगों को उखाड़ करके फेंकना। मैं एक और बात, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हिस्ट्री और साथियों ने रखा मेरे से पहले, उसमें मैं एक छोटी बात जोड़ना चाहती हूँ। रशियन रेवोल्यूशन, मेनी ऑफ यू नो, began on March 8th when women marched, thousands of women poured out
from factories onto the streets, demanding land, bread, land and peace. Roti chahiye, shanti chahiye, aur jameen chahiye. Ye mangte hue mahilaye pure Rus mein aa gayi thi sadkon par, aur wahin se Rusi kranti ki shuruaat hui. उस समय लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये जो मैं देखती हूँ ना कि आजकल हम लोगों को बार बार एंटी नेशनल, ये कपिल मिश्रा भी एंटी नेशनल क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप शांति की बात इस समय कर रहे हैं, कंगना रनौत जो मणिकर्णिका बनाई है वो कहती है कि जो भी शांति की बात करें उसको थप्पड़ मार दो. बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक इसी तरह की बातें रूसी क्रांति के समय रूसी बोल्शेविक कम्युनिस्टों के बारे में भी कही जाती थी. लेनिन को कहा गया था कि ये तो एंटी नेशनल स्पाई बाहर से आया है पक्का, और पूरी बोल्शेविक पार्टी के बारे में कहा गया था, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी एकदम डटी हुई थी कि युद्ध बंद हो. एंड दे इवन ओपनली सेड लेट रशिया लूज द इलेक्शन, वी डोंट माइंड, वी आर फॉर अ डिफीट, वी डोंट वांट वर्ल्ड वॉर वन टू बी वन बाय द रशियंस, वी वांट रशिया टू स्टॉप फाइटिंग द वॉर. ये उन्होंने साफ साफ कहा था. उनका साथ किसने दिया था? सोल्दात की नाम के जो सोल्जर्स वाइव्स थी, जो सैनिकों की पत्नियां थी, वो मार्च से ही शुरू होकर के सड़कों पर उतरने लगी. उनको खाना वाना मिलता नहीं था, राशन मिलता नहीं था, तो वो राशन मांगती थी, वो अपने अधिकार मांगती थी, वो अधिकारियों को घेर करके पीट पाट करके राशन लेती थी, छीन के लेती थी, और वो युद्ध का खात्मा मांग रही थी. किस पर भरोसा था इनका? एक महिला चलाती थी एक संगठन, वो लिबरल बुर्जुआ महिला थी, वो चलाती थी उनका एक संगठन. उन्होंने क्रुप्सकाया को वो संगठन उस संगठन से मिलवा दिया और कह दिया कि भाई तुम ही लोग संभालो इस संगठन को. वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मान रहे, वो कह रहे हम सिर्फ बोल्शेविकों की बातें सुनेंगे, क्योंकि और किसी पर भरोसा हमको नहीं है कि वो युद्ध बंद कराएंगे. और ये मैं अभी याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं मीता सांत्रा को सुनती हूँ, विजेता मांडवगने को सुनती हूँ, महिलाओं की बातें सुनती हूँ कहते हुए कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि इस पार या उस पार हमारे पति जैसा, हमारे बच्चे जैसा कोई मारा जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जिस तरह से अनाथ हो रहे हैं वैसे कोई हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते. और उनको कहने वाले इतने सारे आर्मचेयर वॉरियर्स, वो सारे कहने लगते हैं कि ये भी दे आर नॉट, वो लायक ही नहीं है कि ऐसे महापुरुष के वो पत्नियां बने. इस तरह से उनको गाली गलौज दी जा रही है. उस समय मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि शांति की बात करना भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का लेगेसी है. अगर ये करना का साहसी है, जो साहसी साहसी कह रहा है एबीवीपी, जरा विजेता मांडवगने का, मीता सांत्रा का साहस जुटा के दिखा दो. वो साहस है? साहस सिर्फ कोई कराटे का बेल्ट पहन करके करने वाला साहस कतई नहीं है. साहस है जब आप किसी जोहरी के खिलाफ आवाज उठाते हो, ये जानते हुए कि पूरी सरकार लग जाएगी उसके बचाव में, पूरा तंत्र लग जाएगा उसके बचाव में, तब भी अपने प्रोफेसर के खिलाफ आकर के, सामने आकर के अपनी बात कहते हो, वो भी साहस है. साहस सिर्फ कोई यूनिफॉर्म पहन करके साहस दिखाना, ये कोई करेज और वैलर का ही एकमात्र मॉडल बिल्कुल है नहीं. तो मैं इस बात को बस याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो फाशीवादी तंत्र है जिसका खतरा हम पर मंडरा रहा है, उससे लेकिन लड़ने का क्या रास्ता होगा? आज मैंने एक अभी अभी देखा कि एक कांग्रेस के लीडर हैं, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी को एक लड़की ने किसी क्लासरूम में डिसलेक्सिया पर सवाल पूछा, तो उस पर उन्होंने एक जोक मारा, जिसको उन्होंने जोक समझा, वो राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए ये इम्प्लाई किए कि राहुल गांधी 50 साल के एक डिसलेक्सिक हैं और इसीलिए मजाक के पात्र हैं, मूर्ख हैं, बुद्धू हैं, उन पर हंसा जा सकता है, ये उन्होंने कहा. आज मैं देखती हूँ कि ये कांग्रेस के भाई साहब जो हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू द ड्रामा क्वीन हु मस्ट बी ब्लैबरिंग अराउंड समवेयर. मतलब वो मोदी को ड्रामा क्वीन कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो महिलाओं की तरह कहीं ऐसे ही गप लड़ा रहे होंगे, कहीं बकवास कर रहे होंगे कहीं ना, वुमेन्स डे के दिन. ठीक है, आपको वुमेन्स डे पर कुछ आपको कहना है तो उस समय ऑन अ लाइटर नोट कह करके, अच्छा मैं अपना पॉलिटिकल करेक्टनेस अभी हटा देता हूँ, उतार के रख देता हूँ, और उसके बाद कुछ भी बकवास बोलता हूँ, अपने पॉलिटिकल राइवल के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मैं महिलाओं को ही गाली दे देता हूँ, महिला होने को ही गाली दे देता हूँ, क्योंकि महिला होना तो मूर्ख होना है, बड़बड़ाना है, बकबक करना है, ब्लैबर करना है, ड्रामा क्वीन होना है, ये सारी चीज़ें वो उतार डालते हैं. तो ये कैजुअल मिसोजिनी का एक लार्जर कल्चर भी है बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात ये कि फाशीवाद को यहाँ पनपने की जगह, कुमकुम संगारी ने कहा था, पैट्रियार्कीज प्रोवाइड अ हॉस्पिटेबल स्पेस,
for communalisms, for casteism, and for fascisms to breed, all right? So she wrote that in an article. And ye bilkul dekh lijiye ki hamare yahan ye jo caste ka pura structure hai, manuvad ka pura structure hai, जिसमें कास्ट की बाउंड्रीज बनाए रखने के लिए लड़कियों पर, महिलाओं पर सर्वेलेंस होती है, उनके आज़ादी, उनके ऑटोनॉमी पर कर्ब्स होती हैं, ये हमने देखा है. और इसी में जगह बना करके ये लोग लव जिहाद जैसा कैंपेन चला पाते हैं. और मैं अंत में बस जल्दी से याद दिलाना चाहती हूँ कि इस सरकार के भी कुछ हिसाब किताब करने का समय है इस समय. कि ये सरकार जो कहती है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत उद्धार किया है, बहुत अच्छा किया है, भाई आपने 45 साल में सबसे खराब बेरोजगारी कर दिया. और उस बेरोजगारी में जो पिछले साल जितनी नौकरियां गईं, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की नौकरियां गईं. हमारे देश में 92% वीमेन जो वर्कर्स हैं वो 10,000 रुपया महीना से कम कमाती हैं, बल्कि ज़्यादातर जो है बहुत सारी, इनफैक्ट इवन सरकारी जो स्कीम्स में काम करती हैं वो 1,500 से लेकर 3,000 तक कमाती हैं. इसमें वो आप कह रहे हैं कि हम आपको पेंशन देंगे, उस पेंशन का जो प्रीमियम उनको हर महीने भरना होगा, वो पेंशन का प्रीमियम कहाँ से ला के भरेंगी जब उनके पास पक्की नौकरी नहीं है और वो 1,500 से 3,000 तक कमा रही हैं, ठीक है. और उसमें भी आप कह रहे हैं कि वो पेंशन आपको मिलेगा जब आप 60 साल से ऊपर की हो जाएंगी, अभी आप प्रीमियम भरते रहना. हमारे यहाँ कोई दलित महिला अन्य जातियों की महिला से 15 साल कम जीती है. अगर वो सैनिटेशन वर्कर है, अगर वो इस तरह के प्रिकेरियस और इनसिक्योर और अनसेफ एम्प्लॉयमेंट करती है, तो वो तो जिएगी ही नहीं जब तक वो पेंशन और 3,000 रुपये का पेंशन उसको आप थमाओ. इस तरह की तो सारी चीज़ें हैं. और भी साथी मेरे बाद में बातों को रखेंगे, इसलिए मैं अपनी बात यही कह करके समाप्त करूँगी कि मेरा मानना है कि आज का जो रिजॉल्व है कि आपसे लेकर के जो इलेक्शन तक की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम वैसे लड़ेंगे, उस ताकत से लड़ेंगे, उस कॉन्फिडेंस से लड़ेंगे कि हमारे फोर मदर्स इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ी थीं. हम यहाँ पर हैं सावित्री बाई फुले की वजह से, हम यहाँ पर हैं रसशुंदरी देवी की वजह से, जिसने चोरी छिपे अपने आप को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने कहा कि बहुत भला हो ये कलयुग जिसमें अभी बच्चियों को लिखाया पढ़ाया जाता है, वो कहने वाली रसशुंदरी के साथ हम लोग हैं. हम लोग सारे हमारे फोर मदर्स के साथ हैं जिन्होंने अपनी आज़ादियों की बातें कही, जिसने अपनी आज़ादियों के लिए जो लड़ी, और उनके साथ उन्हीं की ताकत से आज हम अपने देश के फाशीवाद से टकराएंगे, दुनिया में जिस तरह के फाशीवादी ट्रेंड्स आ रहे हैं उससे टकराएंगे, और ज़रूर हमारी जीत होगी. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद.